हेलो डियर फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा। इसके लिए हमें ना ही पिज्ज़ा डो की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अवन की। ये डिलीशियस पिज्ज़ा हमने बनाया है ब्रेड से, और वो भी तवे पर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो पहले हम पिज्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप केचप का लिया है, एक बड़ा चम्मच ऑरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं, और एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, तो ये हमारी इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस तैयार है। अब हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा। तो इसके लिए मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसे कट कर दिया है गोल आकार में। इसे ऐसे राउंड शेप देने के लिए आप कटोरी से भी काट सकते हो, किसी भी चीज़ से, कुकी कटर से काट सकते हो। तो इस तरह से हमें सारे स्लाइसेस को ऐसे गोल काट लेना है। पिज्ज़ा किसे पसंद नहीं, और देखिए ब्रेड भी हमारे घर में होती ही है, तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। आप ज़रूर इसे बनाइएगा, एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत बहुत डिलीशियस लगेगा, और आपके बच्चों के लिए भी ये एक कंप्लीट मील है। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे जो हमने तैयार की थी। आप मार्केट से भी खरीद सकते हो पिज्ज़ा सॉस। तो इस तरह से आपको यूनिफॉर्मली इस पिज्ज़ा सॉस को सब ब्रेड स्लाइसेस पे लगाना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्रेटेड मोजरेला चीज़ डाल देंगे हर एक स्लाइस के ऊपर। फिर हम थोड़े से इटालियन सीजनिंग डालेंगे इसके ऊपर। मैंने ऑरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। तो पहले मैंने इसमें अनियन यानी कि प्याज डाला है बारीक कटा हुआ, साथ ही में बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, ये देखिए। इसके बाद मैंने थोड़े से कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाली है, थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स डाले हैं, और कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर डाला हुआ है। फिर हम थोड़ी सी सीजनिंग डाल देंगे, ऑरिगैनो, मिक्स्ड हर्ब और चाट मसाला। पिज्ज़ा को और चीज़ी बनाने के लिए आप लास्ट में इसमें थोड़ा सा और ग्रेटेड मोजरेला चीज़ डाल देना, इस तरह से। आपको ये सेम प्रोसीजर बचे हुए दोनों स्लाइसेस के साथ भी करना है। इसके बाद हम एक गरम तवा लेंगे जिसे हम लो फ्लेम पर रखेंगे, और एक छोटा चम्मच बटर का डालेंगे उसके ऊपर। बटर जब मेल्ट हो जाए तो करछी की सहायता से उसे सारे तवे पर फैला दीजिए, इस तरह से। अब हमें एक एक करके अपने ब्रेड पिज्ज़ा को तवे के ऊपर रखना है। आपको ध्यान रखना है कि गैस लो फ्लेम पर ही हो, ताकि जो ब्रेड का बेस है वो अच्छे से ग्रिल हो जाए, और जो ऊपर चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर। जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो आप लिड को उठा लीजिए। ये देखिए चीज़ बड़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, और जो ब्रेड का बेस है वो भी ग्रिल हो गया है। तो हमारा ब्रेड पिज्ज़ा तैयार है। यम्मी डिलीशियस ब्रेड पिज्ज़ा। इसे खाने से पहले आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए ऑरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब्स, और भी यम्मी लगेगा। तो ये लीजिए, हमारे तवे पे बना हुआ ब्रेड पिज्ज़ा तैयार है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, और आप ज़रूर इसे बनाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका ब्रेड पिज्ज़ा। तो चलिए, बाय फॉर नाउ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।